टू ट्रेन पी एंड क्यू आर टू हंड्रेड टेन किलोमीटर्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर वन ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम पी एट ए स्पीड ऑफ सिक्सटी किलोमीटर्स पर आर टूवर्ड्स क्यू एंड एट द सेम टाइम अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम क्यू टूवर्ड्स पी एट फोर्टी फाइव किलोमीटर्स पर आवर आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल दे मीट एंड एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम पी सो इसका एक डायग्राम बना सकते हैं ये आप लिखें पी और यहाँ आप लिखें क्यू यहाँ से जो ट्रेन चल रही है वो चल रही है सिक्सटी किलोमीटर्स पर आवर के रेट पे और जो ट्रेन इधर से चल रही है वो हमें दिया हुआ है कि वो 45 फाइव किलोमीटर्स पर आवर पे चल रही है इनमें जो डिस्टेंस है वो है टू हंड्रेड टेन किलोमीटर्स अब इन दोनों ट्रेन्स का एक दूसरे के तरफ भागने से इनके जो बीच की दूरी है वो कम हो रही है और उसके कम होने की स्पीड क्या है इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्पीड्स ऑफ पी एंड क्यू जो रिलेटिव वेलोसिटी है इनकी वो है 60 प्लस फोर्टी तो 60 प्लस फोर्टी के रेट पे इनके बीच की जो दूरी है वो कम हो रही है अब अगर ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो तो आप ये दो मिनट के लिए मान लो कि ये नहीं चल रहा अगर ये नहीं चल रहा तो ये 60 किलोमीटर्स पर आवर से इधर को सरक रहा है तो इससे क्या हो रहा है कि इनका जो डिस्टेंस है वो 60 पे कम हो रहा है या सिमिलरली अगर ये रुका हुआ है तो डिस्टेंस कम हो रहा है 45 के रेट पे तो अगर ये दोनों चल रहे हैं तो इसकी वजह से भी कम हो रहा है यह भी कम कर रहा है दोनों मिलकर कम कर रहे हैं तो इसलिए इसका कम होने का जो रेट है वो आ जाता है 60 प्लस फोर्टी फाइव इक्वल टू वन हंड्रेड फाइव किलोमीटर पर आवर सो हम यह कह सकते हैं कि इनका जो डिस्टेंस है वो इस रेट पे कम हो रहा है हम अगर उसको ऐसे लिखें कि 105 किलोमीटर ये लोग कवर कर रहे हैं एक घंटे में तो एक किलोमीटर कितनी देर में कवर होगा वो होगा एक बटा एक और 210 किलोमीटर अगर कर कम करने हैं तो वो इसको 210 से गुना कर दो सो इट कम्स आउट टू बी टू आवर्स तो इसलिए इनका जो आपस में मिलने का टाइम होगा वो टू आवर्स बाद ये एक दूसरे से मिल सकते हैं अब दूसरा क्वेश्चन है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम पी कि वो पी से कितनी दूरी पे तो ये लोग चल रहे हैं तो ये मतलब पी से ये डिस्टेंस कितना है ये हमें अब इसका पता लगाना है तो ये बड़ा सिंपल सी बात है कि पी के पी से जितनी दूर ये मिलेंगे पी ने उतना डिस्टेंस कवर कर लिया दो घंटे में तो दो घंटे में पी ने जितना डिस्टेंस कवर किया हुआ उतनी दूरी पे यहाँ से मिलेंगे तो इसका दो घंटे में डिस्टेंस कितना कवर होगा तो स्पीड है इसकी सिक्सटी किलोमीटर्स पर आवर ये इसकी स्पीड है स्पीड को कर दो टाइम से मल्टीप्लाइड तो ये 120 किलोमीटर ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाता है

इस क्वेश्चन में क्या है कि टू ट्रेन पी एंड क्यू आर टू हंड्रेड टेन किलोमीटर्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ये वही एग्जाम्पल है बस सिर्फ इसमें एक थोड़ा सा एंड में चेंज कर दिया है लेकिन इसको पढ़ लेते हैं पूरा वन ट्रेन स्टार्ट फ्राम पी एट ए स्पीड ऑफ सिक्सटी एंड मूव टूवर्ड्स क्यू एंड एट द सेम टाइम अदर ट्रेन स्टार्ट फ्राम क्यू एंड मूव टू पी एट फोर्टी फाइव लेकिन क्वेश्चन ये है कि वट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दैम आफ्टर ट्वेल्व मिनट्स कि 12 मिनट्स के बाद इनकी जो आपसी दूरी है वो कितनी है ये हमें यहाँ पे जानना है इस केस में भी आप डायग्राम बना लें ये P है ये Q है ये 60 है और इधर से ये 45 है और ये डिस्टेंस ऑलरेडी 210 दिया हुआ है तो 12 मिनट के बाद मान लो पी यहाँ पे है और Q चलो थोड़ा स्लो है इधर इस साइड होगा अब 12 मिनट बाद पी यहाँ पहुँचा हुआ है Q यहाँ पहुँचा हुआ है हमें यह वाला डिस्टेंस पता लगाना है कि यह डिस्टेंस कितना है ओके हमने जैसे अभी देखा था कि इनके बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है वो कम हो रहा है 105 सौ पाँच किलोमीटर्स पर आवर पे तो 12 मिनट में इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो कम कितना होगा अगर मुझे वो पता चल जाए तो उसको मैं 210 से माइनस कर दूंगा यानी कि कम क्या होगा ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट बच ये तो 210 में से मैं उसको माइनस कर दूंगा तो ये वाला मेरा आंसर आ जाएगा सो इसको हम कैसे लिखें हम वही लिखते हैं इसमें कि वन आवर में डिस्टेंस रिड्यूस्ड डिस्टेंस रिड्यूस्ड इज कितना है 105 किलोमीटर्स और 12 मिनट में कितना रिड्यूस होगा तो 12 मिनट के आवर्स बनाएंगे तो 12 बटे साठ एक बटा पांच सो इन वन फिफ्थ ऑफ एन आर द डिस्टेंस विल बी रिड्यूस्ड बाय 105 हंड्रेड फाइव मल्टीप्लाइड बाय वन बाय फाइव सो इट कम्स टू ट्वेंटी वन किलोमीटर्स तो 21 वन किलोमीटर्स वो 12 मिनट में रिड्यूस कर लेंगे तो नेचुरल है जो बच जाता है वो 210 हंड्रेड टेन माइनस इतने किलोमीटर बच गए तो ये कितने आएंगे 10 में से एक गया नौ दस में से दो गया आठ वन तो ये इतना डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच में बचा होगा 12 मिनट्स के बाद ये टोटल सही है नौ दस दस ग्यारह एक दो ठीक है सो so, ये टोटलिंग एरर्स हमें डबल चेक कर लेनी चाहिए हमेशा तो इस तरह से आप ये वाले जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं तो बेसिकली दो ट्रेन या दो हो गई बोट्स हो गई वो आपस की तरफ भाग रही हैं और जब वो आपस की तरफ चल रही हैं जैसे ये अभी डायग्राम बना हुआ है तो आपको ये प्रैक्टिकल पता होना चाहिए कि इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो किस रेट पे कम होगा अगर इसकी स्पीड वी है इसकी स्पीड यू है तो उसकी रिडक्शन होगी वी प्लस यू किलोमीटर्स पर आवर पे अगर ये फंडा आपको इसमें क्लियर है तो आप इसमें कोई भी क्वेश्चन अटैक कर सकते हैं सो वील स्टॉप राइट नाउ थैंक यू